उत्तराखंड के जोशीमठ में हालात खराब होते जा रहे हैं। सिंहधार इलाके में मकानों की स्थिति पहले के मुकाबले बहुत खराब हो रही है। न्यूज 18 की टीम ने हालातों का जायजा लिया। आइए आपको बताते हैं कि मकानों में पहले के मुकाबले अब क्या बदलाव आए। जोशीमठ के सिंधार इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। लोग यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हैं और उनकी परेशानी का क्या सबब है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, पहले तो आप ये देखिए कि जहाँ से आप उतरकर इस इलाके में पहुंचेंगे उन सीढ़ियों का हाल क्या हुआ है। इसके बाद आपकी नजर जाएगी यहीं पर बिल्कुल पास में, मतलब ये शायद बाथरूम और टॉयलेट है, जिसकी पोजीशन देखकर आपको समझ आ जाएगा कि जब हम कह रहे हैं कि यहाँ जमीन धस रही है तो क्या हालात बन रहे हैं। नीचे आप देखेंगे किस तरीके से ये टेढ़ा ही आपको नजर आ रहा है, जमीन जो है यहाँ पर टूट गई है। पर इतना ही नहीं, नीचे जहाँ हम खड़े हैं इस पूरे जगहों पर दरारें ही दरारें नजर आ रही हैं। ये पहला घर आपको तस्वीरों में मैं दिखा रही हूँ जिसका आंगन टूट गया है, जहाँ से आप ऊपर चढ़ सकते थे वो टूट गया है। यहाँ दरारें पहले पड़ी और दरारों के बाद गैप इतना ज्यादा कि ये हिस्सा बिल्कुल अलग हो गया है। यहाँ से आप जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देखें कि कितना डिस्टेंस, जहाँ पर आप देखें कितने, ये जो मेन जगह इनके चलने के लिए, इनके आंगन का जो पूरा इलाका, वो कैसे दो हिस्सों में यहाँ पर टूटा हुआ नजर आ रहा है। ये आपको मैं बाहर की तस्वीरें दिखा रही हूँ। यहाँ आप देखिए, ये इनके चढ़ने की जगह है जहाँ से ये जाते थे, और जहाँ मैं खड़ी हूँ ये लेवल था जहाँ पर दूसरी जगह आपको पैर रखना होता था। ये इतना लेवल ऊंचा यहाँ आप देख रहे हैं कैसे टूटा हुआ आपको नजर आ रहा है। अंदर बाहर से भी आपको दीवारों में दरारें नजर आनी शुरू हो गई है। और यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि सदियों से छोड़े हुए मकान है, यहाँ पर लोग रहते हैं। टाइगर रिजर्व में बाघों की चहलकदमी के बाद अब रिजर्व क्षेत्र से नटखट भालू परिवार की मस्ती करने का एक वीडियो आया। जंगल सफारी के दौरान सैलानियों को भालू बीच रास्ते पर मस्ती करते हुए नजर आए। तीन भालुओं का ये परिवार पर्यटकों के गुजरने वाले रास्ते को खोदता हुआ नजर आया। इस खूबसूरत नजारे को सैलानियों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तीन भालुओं की तस्वीरें। दरअसल टाइगर रिजर्व सफारी से निकलकर सामने आई, जहां पर तीनों भालू मस्ती करते हुए नजर आए। इस तस्वीर को लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो इस वक्त फिलहाल सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। मुंबई से चौंका देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां सात दुकानों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए बुलाई गई दमकल की टीम के भी पसीने छूट गए और पानी के पाइप के सहारे आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि उसने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। वहां दूर से ही आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दी। कुछ ही मिनटों में आग से निकला काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया गया कि मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग को बुझाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन इस दौरान आग इतना खतरनाक रूप ले चुकी थी कि लगातार आग बढ़ती जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लगा मानो सब कुछ राख करके ही छोड़ेगी, और हुआ भी ऐसा ही। आग ने पूरी दुकान को जलाकर राख कर दिया। बाद में दमकल की 13 गाड़ियों ने आग को बुझाया, जिसके बाद वहां दुकान का मलबा ही नजर आया। बताया गया कि आग क्रॉफोर्ड मार्केट इलाके में लगी थी, जो काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है, जिसकी वजह से आग तेजी से फैल गई।